म्यूकर माइकोसिस या तो जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं, इनके केसेस कोविड से ठीक हुए पेशेंट्स के अंदर प्रतिदिन बढ़ने लगे हैं। इंडिया में सेकेंड वेव के अंदर इस डेडली फंगल इन्फेक्शन से बहुत पेशेंट लड़ रहे हैं। गुजरात स्टेट के अंदर सबसे पहले इसका पेशेंट मिला था और अब दिल्ली महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी ऐसे केसेस मिलने लगी है। क्या होता है म्यूकर माइकोसिस और ब्लैक फंगस? ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा जाता है। जो लोग अभी कोरोना से ठीक हुए हैं लेकिन उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, देन जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स है उसके साथ जिन्हें HIV हुआ है और जो लोग कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके अंदर हाई चांसेस होते हैं इस इन्फेक्शन के। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अभी तक जो पेशेंट्स मिले हैं उनके अंदर नेजल ब्लॉकिंग, देन फेशियल स्वेलिंग, देन आँख में सूज आना, देन आँखों में दर्द होना, आईबॉल की मूवमेंट न होना, साथ में हेडेक और टूथएक, ये सिम्टम्स पाए गए हैं। और जिन पेशेंट्स को सेवियर इन्फेक्शन हो जाता है उनके अंदर पीरियडिकली सिम्टम्स दिखते हैं। ये सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं जब नाक से खून आने लगता है, इसके 2 से 4 दिन बाद आँखों से खून आने लगता है और 24 घंटे के अंदर ये इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर फैल जाता है। इसलिए आपको इनमें से कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। गुजरात के अंदर जो 100 केसेस मिली थी उनमें से 10 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी क्योंकि इन्फेक्शन ब्रेन तक बढ़ने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। सेवियर केसेस के अंदर आँखों के साथ नाक और जॉ बोन्स भी निकालने पड़ते हैं। तो हम खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं? यदि इम्यूनिटी कम है तो सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर डाइट लेना चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट्स है उन्होंने रिकवरी के बाद हर दिन शुगर की लेवल चेक करनी चाहिए। यदि शुगर लेवल्स बढ़ जाती है तो डॉक्टर को वैसे बताना चाहिए। और जिन लोगों को अभी तक कोरोना नहीं हुआ है उन लोगों ने कैसे बचना चाहिए? तो एक ही उपाय है, वैक्सीन लगा लेना। जो वैक्सीन अवेलेबल है उस वैक्सीन को जल्दी से लगा लो क्योंकि वैक्सीन के वजह से हम काफ़ी हद तक इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। और यदि इन्फेक्शन हो जाता है वैक्सीन के बाद तो भी वो माइल्ड इन्फेक्शन होता है, तो जो लोग वैक्सीन लगा लेते हैं उनके अंदर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही आपको कोई कोविड रिलेटेड डाउट है तो नीचे हमें कमेंट करो, हम उनके रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू।